चंद्रावन। भैया गोपीचंद, आपने ये क्या हाल बना रखा है? हे बेबे, हाल देख ले, तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ। ये साधुओं का बाना धारण कर रखा है। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण आपको ये फकीर बाना धारना पड़ा? माँ का आदेश हो गया बहन, क्या बेटे तुझको जोगी बनना है। तेरे इस शरीर को मैं अमर कराना चाहती हूँ कि कभी तुझे काल खा ना सके, कभी तेरी मृत्यु ना हो सके। अच्छा, इसलिए इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके और सन्यास आश्रम में चला जा। भैया गोपीचंद, ये तो आप ही अच्छी तरह जानते हो कि जो इंसान इस धरती पे जन्म लेकर आया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन तो निश्चित होगी। फिर आपने ये गलती कैसे कर दी भैया? बहन, माँ का आदेश मेरे लिए उस भगवान से भी बढ़कर है। उसने जो आदेश कर दिया मेरे लिए वो सर्वोपरि। क्या आपने एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा? हे बहन, सोचने वाला वो परमात्मा है, वो परवरदिगार है, वो ईश्वर है। सोचने वाला इंसान कुछ नहीं, सोचते तो पता नहीं लोग कितना क्या क्या है, लेकिन होता वही है जो उसको मंजूर होता है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे भैया, सुनिए मेरी बात। हे गोपीचंद, वीर मेरे तने, यो क्या हाल बनाया? अरे भी चंद्रावन सर पे ताज धरे था, बीती बात छोट दे बहना तेरा भैया राज करे था, ओ तेरा भैया राज करे था। मेरे बनियारे भिकारी जगत लिहाज करे था, भरत वंश का, भरत वंश का हर बच्चा सोने जैसी काया।
सोचा गोपी चंद, क्या आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी माँ आपके बिना रो रो कर मर जाएगी? किसके ऊपर ये राजपाट ये राजधानी छोड़ी है अपने भैया? ए बहन गोपी, बहन गोपी चंद, आज ये तेरा भाई गोपी चंद है बहन चंद्रावल। माता के कहने से ही जोगी बना हुआ है, माता के कहने से ही जोग धारण किया है मैंने। वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें, ना वक्त रहा ना वक्त की बात रही। मुझे जोग दिला दिया माने, आदेश कर दिया मेरे लिए, वो आदेश भगवान का आदेश रहा। सजनों बता देना चाहता हूं, इस धरती के लिए, ये भारतवर्ष, ये भूमि संतों की धरती रही है। आज समय कुछ भी हो, आज तो पता नहीं कैसे कैसे संत पनप रहे हैं इस देश की इस भूमि में, लेकिन महर्षि दधीच जी जैसे, विश्वामित्र मुनि जैसे संतों ने इस धरती पर जन्म लिया, जिनके नाम से इस संसार के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर इस देश को याद किया जाता है। ऋषियों की संतान है हम, ऋषियों के बालक हैं हम, लेकिन ढंग बदल गया दुनिया का, हुई काया पलट जमाने की, भले आदमी की कीमत अब रही नहीं दो आने की। साथियों समय ने बदला जरूर खाया है, लेकिन जमीर जिंदा है आज भी लोगों का। सर्वनाश किसी चीज का नहीं है, नामो निशान किसी चीज का खत्म नहीं हुआ है इस संसार से, आज भी धर्मात्मा इस धरती पर जिंदे हैं। साथियों माता के कहने पर गोपी चंद ने जोग ले लिया, और आज के किसी गोपी चंद से ये कहते कि बेटा एक गिलास पानी ला दीजिए, तो 100 में से 90 तो मने कर देंगे, 10 ला सके वैसे ले आए तो, अन्य तो 90 जो माँ पानी ला के नहीं देंगे। आज का समय ऐसा, समझने की बात है। इस रागनी के अंदर एक एक बोल बहुत कांटे का लिखा हुआ है। भैया गोपी चंद, मैं जानती हूँ कि तुमने माँ के कहने पर ये जोग धारण किया है, लेकिन आप तो अच्छी तरह जानते हो कि हमारी राजधानी में हमारे इस राजपाट को संभालने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है भैया। ए बहन, जो जीव पत्थर के अंदर है उसको भी भोजन देता है वो परमात्मा, संभालने वाला वो है, इंसान के नर के बस का कुछ नहीं। लेकिन किसी ने ये कहा है भैया कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता भैया, इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता भैया। जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। हे बहन चंद्रावल, आज मेरे दिल में दर्द है भाई, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख पा रही हूँ, मेरी बात सुन ले जरा। कहिए बहन। भजन करूं मैं बन योगी तपधारी, ओ मैं बन योगी तपधारी। किसके ऊपर सबर करे मरे रो रो के मेहतारी। Yeah।
मेरा गोपीचंद, आप अच्छी तरह जानते हो कि आपकी 16 रानी है और 12 कन्या है। वो 16 रानी बिना पति के कैसे रहेगी भैया, वो 12 कन्या बिना पिता के कैसे रहेगी, कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी, कौन उन 12 कन्याओं का कन्यादान करेगा भैया। आप सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं त्याग सकते भैया। हमारी माता बहने भी बैठी हुई हैं, बहुत सुंदर बोल इस तीसरी कली के अंदर लिखा है कवि ने। बहन चंद्रावल कह रही है कि 16 रानी है और 12 कन्या है, भाई ऐसे नहीं त्याग सकते। तो कितना सटीक जवाब दिया गोपी चंद ने, क्या जवाब दिया, क्या सुनने की बात है वाला। सार भोगते सुख दुख सभी ये प्राणी, ओ के सुख दुख सभी ये प्राणी। फिर झाल बदन की डटती कोन्या चढ़ती हुई रे जवानी, संयम साधना से सब मिट जाती परेशानी, ओ सब मिट जाती परेशानी। दिल पे भारी चोट खोटा बिना क्यों मुझको तड़ पाया, लेकिन ये जोग धारण करने से पहले एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है भैया। जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगी तो कौन तो मेरा भाती बनकर आएगा, कौन मेरा भात भरेगा और किसकी कलाई में तुम्हारी ये बहन राखी बांधेगी भैया। मेरे तो और भाई भी नहीं है, बताइए कौन मेरा हिमाती होगा, कौन मेरा साथी होगा भैया। साथियों, इस संसार के अंदर जिस बहन के कोई भाई नहीं होता, जिस बहन के कोई भाई नहीं होता, उस बहन के अरमान साथियों धूल में मिल जाया करते हैं। एक कलाई हो, एक भाई की कलाई जिस बहन को नसीब नहीं होती, वो बहन साथियों अपने आप को अभागन महसूस किया करती है। जिसका पटड़ा सूना रह जाए, जिसके कोई मां का जाया भाई ना हो, वो बहन ये आस देखती है, रे मेरे आज मां का जाया मेरा भैया होता तो आकर के मुझे भात पहना करके और पटड़े से उतारता। लेकिन साथियों, वो परमात्मा हर इंसान को, हर जीव को उसके कर्म के अनुसार योनि दिया करता है, उसके कर्म के अनुसार इस संसार में उसको उसी तरह के काम मिला करते हैं। आज बहन चंद्रावल अपने भाई से कह रही है, अरे भाई मुझको इस जगत में अंधेरा या अंधेरा नजर आएगा, मेरे बच्चों की जब शादी भी होगी तो मेरा भाती बनकर के कौन आएगा, कौन मुझको दखनी चीर उठाएगा। साथियों, अंतिम और चौथी कली में क्या बोल लिखे हैं कवि ने, क्या दर्शाएगा।
घर में कौन मेरा आदर मान करेगा। सबका मालिक